नमस्कार जी, मैंने शोध किया और शोध करके एक ऐसा विभाग ढूंढ के निकाला जिसमें दावे के साथ कह सकता हूँ आपने कभी किसी महिला को काम करते नहीं देखा होगा। उसमें तकनीकी समस्या है, उसमें कभी कोई महिला काम कर ही नहीं सकती। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। ये सिर्फ वे लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके घर में लगी हुई है। नहीं, अगली का एक सूत्री कार्यक्रम होता है, आंख खुलते ही सामने वाले को ऐसी टेंशन दे दो अगला दिन भर घुटघुट के जिए। तकिए पर ही बता देंगी आज पप्पू की फीस जमा करानी है, आज फोन का बिल जमा कराना है, आज राशन खरीद के लाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो एक दिन मैंने कहा, मैं तेरी रोज रोज की फरमाइशों से दुखी आ गया हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगली तब भी नहीं चूकी, बोली एक सफेद साड़ी तो दिला जाओ, 13वीं पे क्या पहनूंगी। तो ये ऐसा महिलाओं की शक्ति, मेरी 2 साल पहले शादी हुई है और चूंकि नारी शिक्षा की देवी है तो उसने 2 साल में मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं होता। इतने तकनीकी सवाल करती है दुनिया में कोई माइका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। पिछले दिनों आई मेरे पास, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मैंने कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, बड़ों की इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। मैं एक कविता ऐसी सुनाना चाहता हूँ जो मैं उन महिलाओं को समर्पित करना चाहता हूँ, इस देश की तमाम उन महिलाओं को समर्पित करना चाहता हूँ जिनसे हमारा पहला परिचय होता है, जिसका मुख देखकर और जिससे बात करके हम जीवन के पहले अक्षर बोलने सीखते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं। छोटे छोटे तर्क पढ़ता हूँ, रचना का शीर्षक है अनपढ़ माँ। कि चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9x4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। मैं नहीं जानती सुर और ताल का संगम, कर्कश मृदु और पंचम सरगम के साथ स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। संगीत साधना के लिए वह कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती थी। और एक दृश्य, शाम को जब बाबूजी घर लौटते हैं, माँ से उनका साक्षात्कार होता है, उस एक पल में वो 4 आंखें जो 2 बातें करती हैं, वो एक पंक्ति पर रखकर आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है, वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है, झगड़े की संभावनाओं को भांप कर बात की दिशा मोड़ सकती है, काल पात्र और स्थान के अनुरूप किसी भी बात को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है। अंतिम तर्क इस रचना का पढ़ता हूँ, जो हाथ अब तक खामोश थे, जो आंखें अब तक नम हुई हों, वे मेरे साथ होना, मुझे समर्थन देना कि सच, कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। सच, कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है, गृहस्थी कैसे चलानी होती है, गृहस्थी कैसे चलानी होती है। और एक टिप्पणी करना चाहता हूँ जाते हुए, मैं दिल्ली से आया हूँ साहब, और दिल्ली पर एक कलंक लगा कि दिल्ली ने दामिनी कांड देखा था। उस कलंक के खिलाफ एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, अगर कहीं भाव उमड़ जाए तो मुझे याद कीजिएगा, इस टिप्पणी को याद रख लीजिएगा कि मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया ताकि मैं सीख सकूँ कि लड़कियाँ खेलने की चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।